ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है क्या, मैं आप सभी को ये बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, एंड इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड मॉडल को आप सभी को किस टाइप से लगाना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस आप सभी के पीछे आप सभी को दिख रहा होगा बैकग्राउंड में जो ट्राइपॉड है, आप सभी को अपने मॉडल को कुछ इस तरीके से आपको आगे की तरफ रखना है, एंड जो उस साइड का हिस्सा वहाँ पे वो ढक जाना चाहिए ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे मॉडल को लगाने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैं टेक्स्ट का पीएनजी दे दूंगा ये वाला, ठीक है। तो आप सभी को उसको ग्लोइंग टेक्स्ट कैसे बनाना है तो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहले आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को साइड में नीचे देखोगे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक शेडो का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है जैसे कि ये, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इससे पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे जाके इसको आप सबको गाइस बिल्कुल यहाँ पे 100 पे ले आना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर दोनों को फुल कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको कलर्स में जाना है। कलर्स में जाने के बाद आप सबको गाइस यहाँ पे सिंपली पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सभी को येलो कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। येलो कलर को सिलेक्ट करोगे तो कुछ इस टाइप से आपकी तरफ ऐसा हो जाएगा ग्लोइंग सा, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको अब क्या करना, अभी डन नहीं करना, आप सबको जाना ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में मैं आप सबको एक पीएनजी दे दूंगा, ठीक है। तो आप जो बोल रहे होंगे कि यार ये तो ब्लू है तो इसको हम येलो कैसे करेंगे, तो ह्यू में जाएंगे। ह्यू में जाने के बाद हम इसका जो मतलब कि इसको ऊपर नीचे करेंगे, जहाँ पे हमें येलो कलर मिल जाएगा वहाँ पे हम इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस ऊपर की तरफ तो नहीं है तो हम नीचे की तरफ, तो गाइस देखिए यहाँ पे येलो कलर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सिंपली अच्छे से येलो कलर को ढूंढ लेंगे, एंड यहाँ पे हम इसका पहले ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे, एंड इसको कर देंगे स्क्रीन, एंड इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको मतलब क्या ये ना थोड़ा मतलब अब इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे वापस से उसी साइज में ले आएंगे। एंड उसके बाद हम साइड में साइड वाला जो पॉइंट है इसको हम पकड़ेंगे कुछ इस टाइप से लंबा कर देंगे ऐसे, एंड इसको हम सिंपली अपने यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे हेयर्स के ऊपर भी आ जाएगा, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए हमारा ग्लोइंग टेक्स्ट तैयार है बिल्कुल। तो अब क्या करना है आप सभी को जिसमें लाइटिंग वाइटिंग डालनी है वो आप सभी को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को पहले पार्टिकल्स का पीएनजी जो इसको आप सभी को पहले स्क्रीन करके यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड इसको अभी आपको लाइट करने के लिए पता है क्या करना है, उसको मैं आपको लाइट रूम ऐप में बताऊंगा कि लाइट कैसे करना आप सभी को, ठीक है। तो डुप्लीकेट करके आप सभी को इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। इरेजर टूल पर जाकर आप सभी को कुछ इस टाइप से जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा है उसको आप सभी को इरेज कर लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड जो सेकंड वाला इससे भी हम पहले यहाँ पे इरेज कर लेते हैं क्योंकि इस पर भी है थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। एंड देखिएगा यहाँ पे जो है हमारे पार्टिकल्स वगैरह भी लग चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कर देंगे फोटो को सिंपली डन, ठीक है गाइस। तो उसके बाद जो है आप सभी को ना यहाँ से पहले टूल्स में जाना है, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आप फिर जाना आपको एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को इसका एक्सपोजर ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, एंड इरेजर टूल में जाना है, एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना है ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करके, एंड उसको जिस टाइप से आप सभी को डोजन बन करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोज के ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं हेड के ऊपर, एक यहाँ पे चिक्स के पास भी कर देते हैं, एंड यहाँ पे उसके बाद हम थोड़ा सा इसका अमाउंट जो है 10 तक कुछ रखेंगे, ठीक है। एंड कर देंगे डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को एक पीएनजी और लेना है, ठीक है। तो ये वाला पीएनजी भी मैं आप सभी को दे दूंगा, तो इस पीएनजी को आप सभी को कुछ इस टाइप से लगाना है। जब आप फुल स्क्रीन कर दोगे तो कुछ इस टाइप से ही लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए गाइस जिस पीएनजी से भी काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी फोटो, तो उसके यहाँ पे भी हम करते हैं डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना वापस है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद जाना आप सभी को एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को हल्का सा जो इसका ब्राइटनेस है वो बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे फोटो को सिंपली सेव कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को लाइट रूम ऐप में इसमें ग्लोइंग इफेक्ट कैसे डालना है तो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस अभी यार जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, अगर आप अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार आप सभी को मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट सबसे पहले मिले। तो चले गए सब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, इस फोटो को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओपन करने के बाद आप सभी को मैं बताता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पे आप सभी को जब लाइट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो पहले एक्सपोजर को बढ़ा देना है, एंड जो कॉन्ट्रास्ट है आप सभी को अगर माइनस करोगे तो देखो ग्लोइंग इफेक्ट में ना तो डाउन हो जाएगा, तो आपको उसको प्लस में रखना है। एंड जो हाईलाइट है इसको भी आप सभी को प्लस में रखना है थोड़ा सा, एंड शेडो जो है इसको भी आप सभी को थोड़ा माइनस में कर देना है, एंड इसको व्हाइट को जो है आप सभी को इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, व्हाइट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप जब ब्लैक वाला है जो है इसको आप सभी को माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना लाइट में, एंड लाइट में जाने के बाद आप सभी को वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सभी को जाना है यहाँ से येलो कलर में, एंड जो हमारे टेक्स्ट का कलर है येलो तो हम इसको हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। एंड उसके बाद जाना आपको ब्लू कलर में, इसके ह्यू को थोड़ा माइनस में कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ से आपको डन करके नीचे वाले टूल में जाना है, एंड उसके बाद थोड़ी सी क्लियरिटी इसको इंक्रीज़ कर देना है और हल्का सा विग्नेट डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ग्रीन अमाउंट नीचे की तरफ तो उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में,
फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है, नॉइस रिडक्शन इसको भी आपको थोड़ा सा डाल देना है, जो कलर नॉइस रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारी फोटो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो गाइस आपको बिफोर एंड आफ्टर भी मैंने दिखा दिया है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना यार, और अगर यार आप सबको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर करना, ज़्यादा कंज्यूसी मत करना, तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर भी करना एंड यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड गाइस अगर आप सभी को मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखनी तो ये दो वीडियो मेरी बेस्ट वीडियोज़ हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। वैसे आप मेरे चैनल पर सारी वीडियो बेस्ट हैं, आप सभी को सारी अच्छी लगती हैं। अगर आप कोई चैनल पर भाई मेरा नया है तो यार आप मेन चैनल पर जाके आप मेरे चैनल की कोई सी वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।